माँ बेला की इस पावन धरती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मंच पर एक से एक धुरंधर कवि बैठे हैं। आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी की पावन संयोजन में ये कार्यक्रम आयोजित है। मैं आपकी आपको भी प्रणाम, चंद्रकांत सर, चंद्रकांत जी की तो आपको भी प्रणाम करता हूँ। प्रवीण भाई ने आपके विषय में तमाम बातें बताई, आप साहित्य के कितने प्रेमी हैं, और यहाँ पर श्रोताओं को देखकर लग भी रहा है कि आप साहित्य के बहुत प्रेमी हैं। मैं बड़े आदर के साथ सबको नमस्कार करते हुए मैं पहली चार पंक्तियाँ निवेद करता हूँ, सुनिएगा। जी जी। उम्र में बहुत छोटा हूँ, क्रम बहुत देर बाद लगाया बड़े बड़े धुरंधरों के बाद। मैं चार पंक्तियाँ निवेद करता हूँ, आप सभी का मन देखना चाहता हूँ। आगे से पीछे तक जितने लोग हैं, आगे से पीछे तक जितने लोग हैं, वो चौथी पंक्ति पर अगर मुझे दाद देंगे तो मुझे हौसला मिलेगा, मैं और चार पंक्तियाँ सुनाऊँ। मैं चार पंक्तियाँ निवेद करता हूँ। जी, स्वागत है। पहली चार पंक्तियाँ मैं देश के नाम, तिरंगे के नाम समर्पित करता हूँ। अगर चाहे भी इतना तो वो फाजिल बन नहीं सकती, अगर चाहे भी इतना तो वो फाजिल बन नहीं सकती, बनाए खुद को कितना भी वो काबिल बन नहीं सकती, बनाए खुद को कितना भी वो काबिल बन नहीं सकती। हजारों लोग इसकी चाहतों में मरते मिटते हैं, कोई लड़की तिरंगे के मुकाबिल बन नहीं सकती, कोई लड़की तिरंगे के मुकाबिल बन नहीं सकती। मैं चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। अब मैं मूलतः अपने तेवर पे आता हूँ, श्रृंगार रस की चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। अभी आप लोगों ने वो मन नहीं दिया, मैं चार पंक्तियां। प्रेम में क्या होता है, हम सभी मोहब्बत करते हैं और सामने वाले के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं, कभी बाल इस प्रकार के रखते हैं। मंच का ध्यान चाहूंगा जी। लेकिन मोहब्बत के बाद क्या रह जाता है, मैं चार पंक्तियों के माध्यम से बताता हूँ, सुनिएगा। जी, स्वागत है। कभी शीशा कभी कंघी कभी चद्दर बदलना था, आहा। कभी शीशा कभी कंघी कभी चद्दर बदलना था, रहे थे साथ जिसमें भी वो सब मंजर बदलना था, क्या कहने? तुम्हारे बाद में हमने यहाँ क्या क्या नहीं बदला, तुम्हारा क्या था तुमको तो महज नंबर बदला, तुम्हारा क्या क्या था तुमको तो महज नंबर बदला, तुम्हारा क्या था तुमको तो महज नंबर बदलना था। चार पंक्तियां मैं और पढ़ता हूँ, तरन्नुम दूसरी तरफ आपको ले चलता हूँ। आगे जो लोग मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, पीछे तक जितने भी लोग हैं, सबका मन चाहूंगा मैं चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। अपना जीवन नहीं बना पाए, अपना जीवन नहीं बना पाए, एक आंगन नहीं बना पाए, मुझको जिससे बहुत मोहब्बत थी उसको दुल्हन नहीं बना पाए, उसको दुल्हन नहीं। प्रियांशु भाई, लगाना गीत गजलों का बड़े ही प्यार से मरहम, लगाना गीत गजलों का बड़े ही प्यार से मरहम, मोहब्बत में यहाँ कुछ चोट खाए दिल जले भी हैं। वाह। मैं चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। अपना जीवन नहीं बना पा, अगर आप सभी को पंक्तियां अच्छे लगे तो तालियां जम के बजाइएगा, लगे कि हाँ बैठे हैं। मैं चार पंक्तियां अनुवाद करता हूँ, सुनिएगा। कि साथ लश्कर बना के देखेंगे, साथ लश्कर बना के देखेंगे, ये भी मंजर बना के देखेंगे, अब तलक मोम थे मोहब्बत में खुद को पत्थर बना, वाह वाह वाह, को पत्थर बना के देखेंगे। क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ, मेरी व्याकरण थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, मेरा छंद थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, लेकिन मेरे भाव कमजोर नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पंक्तियां प्रेषित करता हूँ, सुनिएगा। मैं पंक्तियां प्रेषित करता हूँ, सुनिएगा।
कि रेशमी बाल तक नहीं पहुंचा। अंतिम लाइन आप सभी गाएंगे कि रेशमी बाल तक नहीं पहुंचा, वक्त की ढाल तक नहीं पहुंचा, मेरा चुंबन अभी प्रतीक्षित है आपके गाल तक। क्या कहने आपके गाल तक नहीं पहुंचा, आपके गाल तक नहीं पहुंचा। बहुत शुक्रिया। चूंकि ये साहित्यिक मर्यादा में नहीं था इसलिए मैं माफी भी चाहूंगा। आइए, क्योंकि थोड़ा भटक जी। अच्छा मैं चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ, सुनिएगा जी। स्वागत है। आइए मैं चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। आस टू सुनिएगा। आस टूटी मगर मुस्कुराते रहे, आस टूटी मगर मुस्कुराते रहे, सांस छूटी मगर मुस्कुराते रहे, तुम भी रोने लगोगी यही सोच कर, रेल छूटी मगर मुस्कुराते रहे, रेल छूटी मगर मुस्कुराते रहे। चार पंक्तियां अंतिम पढ़ता हूँ इसी क्रम की। क्या होता है कि हम सभी शायर कवि लोग हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ हमको लोग खूब सारी मोहब्बत करते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं, पर एक व्यक्ति विशेष एक लड़की की नजरों में हम अपना वो स्थान नहीं बना पाते। मैं अंतिम चार पंक्तियां इसी क्रम की पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जिंदगी भर सहायक नहीं हो सके, इस कहानी के नायक नहीं हो सके, सारी दुनिया की आंखों के तारे रहे, बस तुम्हारे ही लायक नहीं हो सके, बस तुम्हारे ही लायक नहीं हो सके। माधुरी ज्यों शहद से जुदा हो गई, जिंदगी खुद से ही अलविदा हो गई, बाद इसके मुझे याद कुछ भी नहीं, बैठ कर डोली में वो विदा हो गई, बैठ कर डोली में वो। बहुत शुक्रिया। है, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। अगर आप सभी आदेशित करें तो मैं एक छोटा सा गीत पढ़ के अपना सुना। जी जी जी। मैं चाहता हूँ कि जितने लोग हैं सभी लोग तालियां बजाएंगे अगर साथ साथ में, तो गीत का आनंद आएगा। मैं शुरू करता हूँ, सुनिए। इस जीवन के मरुथल में चलते फिरते हलचल में, कांटों पर और मखमल में, सूखे पर और दलदल में, एक ही गीत अधर पर है और एक ही राग सुनाया है मैंने तुमको गाया है, मैंने तुमको गाया है, मैंने तुमको गाया है, मैंने तुमको गाया है। मैं बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि होठों की हर लाली में, कानों की हर बाली में, होठों की हर लाली में, कानों की हर बाली में, फूलों की हर डाली में, दुनिया की हरियाली में, हर एक कोने कोने में, हंसने में और रोने में, तुमको ही देखा है मैंने, कारण तुम्हें बताया है मैंने तुमको गाया है, मैंने तुमको गाया है,
मैंने तुमको गाया है, क्या गीत है वाह, मैंने तुमको गाया है। मैं बंद पढ़ता हूँ सुनेगा जी जी। कि मन के उठते द्वंद्वों में, गीतों में और छंदों में, मन के उठते द्वंद्वों में, गजलों में और छंदों में, फूलों में मकरंदों में, अपने काव्य प्रबंधों में, फूलों में मकरंदों में, अपने काव्य प्रबंधों में, इस दुनिया के होने में, कुछ भी पाने खोने में, तुमको ही देखा है मैंने, कारण तुम्हें बताया है, मैंने तुमको गाया कहे, मैंने तुमको गाया है। अंतिम मत पढ़ता हूँ सुनिएगा, कि सर्द अकेली रातों में, खट्टी मीठी बातों रिमझिम सी बरसातों में, दिल के सब जज्बातों में, सबकी बातें सुनने में, सुन कर के फिर गुनने में, तुमको आगे खड़ा किया और अपना ढाल बनाया है, मैंने तुमको गाया है, मैंने तुमको गाया है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।